हेलो गाइस, आज मैं आपको वार्डन फार्म बना के दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत सारा एक्सपी, आयरन, रेडस्टोन वगैरह सब कुछ मिलेगा। इसके लिए आपको कोई बड़ी एंशियंट सिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से छोटा सा बायोम भी मिल गया तो भी बहुत है। आपको आसपास के एरिया क्लियर करके बढ़िया सा स्क्वायर बना लेना है, मगर उससे पहले वार्डन आपकी ना मार ले, इसलिए आपको इस तरह से एक कॉन्ट्रासेप्शन बनाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है एंशियंट सिटी में या फिर वार्डन से लड़ने में, तो आपको मेरा वीडियो पुराना वाला देखना चाहिए, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। देखिए, इस तरह से आपको कॉन्ट्रासेप्शन बनाना है ताकि वो वार्डन का आवाज़ आती रहे। मैं आपको सर्वाइवल में करके दिखाता हूँ। देखिए, कुछ नहीं करेगा मुझे, बार बार वो उसकी आवाज़ की तरफ जाएगा। ट्यूटोरियल तो बहुत बना लिया मैंने, मगर आज मैं शिकायत करना चाहता हूँ। गाइस, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? मुझे फीडबैक चाहिए, चैनल कैसा लगता है आप लोग बताइए मुझे। कैसी वीडियो एडिटिंग है, कैसा ऑडियो है, कैसे वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो वो अच्छे है कि नहीं है, सब कुछ। देखिए, आपको इस तरह से स्क्वायर बना लेना है, एरिया क्लियर कर लेना है। सारा एरिया मत क्लियर करना, क्योंकि कुछ नेचुरल ब्लॉक्स भी होने चाहिए उसके स्पॉन होने के लिए। आप चाहो तो पुराने वाले सेंसर्स हटा सकते हो, पर अगर वो किलिंग चैम्बर के बीच में आ रहे हो तो ही, वरना अगर ओपन में है कहीं अलग से तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, नेचुरल रहने देना। फिर आपको यहाँ पर कॉर्नर पर किलिंग चैम्बर बनाना है। किलिंग चैम्बर 4x4 का होगा, जो कि हम नॉर्मल मोफा में लगाते हैं। ऑब्जर्वर आपको उस तरह से नहीं लगाना है, पिस्टन की तरफ फेस करके लगाना है। देखिए, इस तरह से 4 पिस्टन 4 ऑब्जर्वर लगेंगे आपको। इस तरह से ऊपर से कॉर्नर में हमें बाद में रेडस्टोन लगा देना है, तो कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लावा है, इसलिए मैं पीछे का एरिया क्लियर करके आता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कमेंट कर दो। अगला मैं पार्ट बनाने वाला हूँ इसका, फार्म 2, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर किसी भी पिस्टन के पीछे आपको एक बार लीवर लगा देना है, उसे एक बार फ्लिक करना है, फिर दूसरी बार में ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। फिर उसके नीचे तुरंत हमें एक कलेक्शन सिस्टम बनाना है। यहाँ पर आप वो आवाज़ करने वाला बंद कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पिस्टन है जो आवाज़ करेगा बहुत सारा अगर स्पॉन हो गया तो। देखो, यहाँ पर आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो है तो वार्डन ही ना, भले ही आपको टच ना कर पाए, मगर सोनिक बूम तो मार सकता है ना। इसलिए फुल आर्मर और अच्छी हेल्थ के साथ आना, खाना पीना लेके आना। यहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला है। अब यहाँ पर पिस्टन के ऊपर आपको इस तरह से इंपेलिंग 5 वाला ट्राइडेंट फेंकना है, उसमें लॉयल्टी ना हो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कोई भी मॉब गिरेगा तो वो मर जाएगा। जैसे देखिए, अभी यहाँ पर स्पॉन हो रहा है ना, ये अपने आप स्पॉन हो रहा है, अब वो सीधा जाएगा उसके पास और देखिए कैसे डैमेज हो रहा है उसको। थोड़ी देर में मर जाएगा, 3-4 मिनट में। अब मैं यहाँ पर इसको सब तक रिनोवेट करता हूँ, मतलब अच्छा थोड़ा लुक लाने के लिए डिज़ाइन देता हूँ। तब तक वो देखिए कैसे स्पॉन हो रहे हैं, मैं बना रहा हूँ अपना अपना। अब फार्म का फाइनल लुक देख लीजिए। यहाँ पर मैं और भी इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ, वीडियो नहीं ख़त्म हो गया है। और इससे बाद में मैं पार्ट 2 बनाऊँगा इस फार्म का, तो उसके ज़रूर देखना, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये कैसे सोनिक बूम मार रहा है। इसके लिए आपको खाना फुल लेके आना है, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आर्मर अच्छा होना चाहिए, और उससे दूर खड़े रहो थोड़ा सा, उसको आवाज़ नहीं आनी चाहिए हमारी। देखिए, इसलिए मैं स्विफ्ट स्निक यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं देखिए, वहाँ पर मैं बार बार जाता था तो मार देता था, इसलिए मैंने एक कलेक्शन सिस्टम बनाया है जहाँ पर मुझे दूर आकर मिलते हैं ये सब आइटम। पर अगर आप ये फार्म 1.20 या फिर उसके पहले वर्जन में बना रहे हो, तो आपको वार्डन इतना नहीं मारेगा, क्योंकि तब इतना अच्छे से डेवलप नहीं था। अब आपको वार्डन के बारे में ज़्यादा जानना है तो लेफ्ट में क्लिक कीजिए, और एंशिएंट सिटी के बारे में तो राइट में।